उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि सुप्रीम पावर लग्नेश के हाथ में होता है, लग्न के हाथ में होता है, उसके आधार पर ही वो ग्रहों को प्लेसमेंट निर्धारित कर कर देते हैं। जी जी जी। तो इसे अभी हम और चर्चा करेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट सबसे पहले आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता जी, है, है ना। तो सबसे पहले लग्न हमने देखा और उसके मालिक को देखा, अर्थात लग्नेश जो उसका ओनर है। जी। तो सबसे पहला जो लग्न होता है ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका आचार विचार व्यवहार स्वभाव कैसा रहेगा, उसके निर्णय लेने की शक्ति कैसी रहेगी जी, उसके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थितियां स्ट्रांग रहेगी कमजोर रहेगी, सारा जो मुख्य मैंने बताया सबसे प्रमुख स्थान है वो आपकी कुंडली का ब्रह्म स्थान होता है जी, लग्न जी। सेकंड नंबर को जब आप काउंट करते हो तो ये आपका धन स्थान होता है। सो सेकंड हाउस यू आर मीनिंग कि सेकंड से सेकंड हाउस, लग्न से सेकंड भाव, लग्न से सेकंड। तो सर मतलब लग्न से पोजीशन मतलब मेरा लग्न कहीं भी हो सकता है ऐसा है? आपका लग्न तो जो नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है वो लग्न हुआ, उसके अंदर नंबर कुछ भी हो रहा है। जैसे हमने काउंट करते हैं कि लग्न मतलब एक नंबर तो नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, उसमें आठ है तो ये जो भाव हैं ये फिक्स हैं। अच्छा, अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो ग्रहों के आधार पर होगी। तो उस स्थिति के आधार पर लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है, आचार विचार व्यवहार स्वभाव उसका नेचर कैसा होगा आप देखोगे। जी सर। बहुत से लोगों को आपने मिला होगा, सबके नेचर आपको डिफरेंट दिखते हैं। जी जी जी, है ना। कोई बहुत उग्र होगा, कोई बहुत शांत है, किसी के अंदर रेस्पेक्ट है, किसी को बोलने के ही नहीं बन रहा है कि क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ। तो ये सब चेंजेस कहाँ से होते हैं? ये लग्न की स्थिति से होते हैं। ओके। दूसरे नंबर पे आता है तो जो सेकंड हाउस होता है हमारी कुंडली का, अगर संभव रहे आपके लिए तो इसे कुंडली को कैलकुलेट करके जो अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखा पाएंगे तो जरूर से चल कर दिखाएंगे। दूसरा घर होता है आपकी कुंडली का धन भाव। धन भाव, व्यक्ति के पास कितना धन होगा, स्वयं अर्जित करेंगे या पैतृक की स्थिति का योग प्राप्त होगा, ये आपके कुटुंब परिवार का स्थान होता है। किस व्यक्ति के कुटुंब परिवार का सहयोग उस व्यक्ति को मिल पाएगा। आप देखते हो कई लोगों को कुटुंब परिवार का बहुत सहयोग मिलता है कि चाहे जितनी स्थितियां उसके जीवन में विपरीत हो रही है किंतु उसका परिवार सदैव उसके साथ खड़ा है। कई लोगों के लिए कुछ भी वो करते जा रहे हैं परिवार का सपोर्ट नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तीसरी स्थिति होती है, सेकंड भाव होता है वाणी का भाव, वाणी का किस व्यक्ति की कैसी वाणी है, धन के साथ साथ वाणी का भी एक स्थान तीन कंडीशंस को कैलकुलेट करता है। ये धन भाव भी है, ये वाणी भाव भी है और ये आपके कुटुंब परिवार का भाव भी ओके, 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 है ना। कई लोगों की सौम्य वाणी होती है, कई लोगों की क्रूर वाणी होती है, तो वाणी को द्वितीय भाव से हम कैलकुलेट करते हैं कि इस व्यक्ति की वाणी का योग कैसा रहेगा। ये अपनी स्थिति को बिगड़ी से बिगड़ी स्थितियों को अपनी वाणी के चलते अपने पक्ष में ले आएगा जी, या बनी बनी स्थितियों को भी अपनी वाणी से बिगाड़ देगा, है ना जी। तो वो स्थिति यहाँ से कैलकुलेट होती है। जो तीसरा घर होता है लग्न से तीसरा, लग्न से तीसरा वो होता है पराक्रम भाव। Okay. किस व्यक्ति के जीवन में कितना पराक्रम जुड़ा हुआ है, वो स्थान होता है छोटे भाई बहनों का भाव जी। वो स्थान होता है आपकी यात्राओं का भाव okay. और यात्रा कैसी, तो व्यापारिक यात्रा। लग्न से चौथा घर को जब आप काउंट करते हो तो ये जनता का स्थान है। कई लोगों को आप देखते हो जनता में बड़ा यशमान प्रतिष्ठा मिल रहा है, कई लोगों को जनता में अपयश का सामना करना पड़ रहा है कई, और इसी के साथ में जनता स्थान होता है ये माता सुख का स्थान है जी। ये आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी का स्थान है okay. ये आपके जीवन में भौतिक सुखों का स्थान okay. है तो सर, और ये हमारे हृदय का स्थान भी है। तो सर ये ऐसा भी है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये तो हाउस हो गया जी, तो इसमें अगर कोई एक चीज मेरी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली वो तीन चारों पे इफेक्ट आएगा। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरी माँ मेरे से दुखी है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा हो सकता है कि वो मेरे पूरे ग्रह को खराब कर दे, या फिर जो बाकी चीज है लाइक मेरी यात्राएं बड़ी अच्छी हो रही थी या फिर मेरी बाकी चीजें बड़ी अच्छी चल रही है, जो भी इस घर के सिग्निफिकेंस है वो बाकी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन आउट ऑफ सडन मेरी माँ से मेरी बिगड़नी शुरू हो गई किसी भी कारणवश, बिल्कुल, और वो बिगड़ते बिगड़ते ज्यादा हालात खराब हो गए, तो सर चांसेस है कि ये बाकी चीजों को भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा मेरी? बिल्कुल करेगा। उसका रीजन है, जैसे मान लीजिए आपके दशा अच्छी चल रही है जी, दशा के अंदर आपके चतुर्थ भाव का जो प्लेनेट है स्वामी है जी, जी, जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका लग्न है मेष जी सर, ठीक है, मेष से चौथा घर हो गया कर्क राशि ओके, और कर्क का स्वामी कौन है, चंद्रमा जी सर, ठीक है, आपके एक अच्छे प्लेनेट की दशा चल रही है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मंगल की दशा चल रही है जी सर, अब आपके चतुर्थ हाउस का भाव का स्वामी हुआ चंद्रमा जी सर, और चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है ओके, ठीक है, या 6-8-12 की स्थिति लेकर बैठा है, पीड़ित अवस्था में बना हुआ है, और मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतर दशा चालू हुई, ये आपके बाकी चीजों को तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, किंतु चंद्रमा क्या है तो ये माता का कारक भाव भी है, माता का कारक ग्रह भी होता है जी।
यहाँ आप देखोगे सडन ऑफ या तो आपकी माता के स्वास्थ्य को ये इम्पेक्ट कर देगा जी सर, या फिर आपकी माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट करना चालू कर देगा जी। आपके मन की स्थिति को भी यहाँ पर ये ग्रह प्रभावित करना चालू कर देता है। सब कुछ अच्छा है हमारे पास में जी सर, किंतु कहीं ना कहीं जो स्थिति मुख्यतया हमें चाहिए वो मिसिंग हो जाती है। तो ये वापस आकर ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की प्लेसमेंट पर ही निर्धारित होता है जी सर। जी सर, आगे पांचवे हाउस ऐसे मतलब किसी को व्यक्ति को लाभ होगा वो इससे देखा जाता है। ये स्टमक का लाभ स्थान भी होता है। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये रोग ऋण रिपो कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल का स्थान होता है। ये कॉम्पिटिशन और जॉब का स्थान होता है। सेवंथ हाउस जो होता है ये स्पाउस हाउस होता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है, और इसी के साथ में ये आपके दैनिक रोजगार डेली बेसिस अर्निंग जो सोर्सेज होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं इस स्थान से। छठवां घर होता है ऑब्स्टेकल का स्थान, मानसिक तनाव टेंशन डिप्रेशन देने का स्थान। ये ससुराल का भाव भी है और ये गुप्त धन को भी दर्शाता है। ये मृत्यु स्थान भी कहलाता है और बहुत से लोग इसे आयु स्थान भी कहते हैं। नाइन्थ हाउस जो है ये भाग्य का स्थान है, ये आपके धार्मिक कार्यों की रुचि जागृत कर कर देता है। ये आपके पिता स्थान का स्वामी है, ये आपकी विदेश यात्रा को दर्शाता है। टेंथ हाउस हमारा कर्म भाव होता है, व्यक्ति कैसा कार्य करेगा। बहुत से लोग आके पूछते हैं जी मुझे जॉब करना चाहिए कि व्यवसाय करना चाहिए, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अब बहुत से माता पिता जानना चाहते हैं कि हमारी संतान को किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं, तो ये सब आपका कर्म भाव से अर्थात टेंथ हाउस से देखा जाता है। इलेवंथ हाउस होता है आपकी डिजायर्स का भाव, आपकी अर्निंग का भाव, बड़े भाई बहनों का, छोटी मोटी बीमारियों का भाव। ट्वेल्थ हाउस जो होता है ये विदेश सेटलमेंट का होता है, विदेश यात्रा की स्थिति को दर्शाता है। फिजूल खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे, कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति को ट्वेल्थ हाउस भी दर्शाता है। अब ये तो हुए 12 घर जो फिक्स है, फिक्स है सबके, इनको नहीं चेंज करना। ये सबकी इस सृष्टि पे जितनी भी लोग हैं इनके ये भाव सब फिक्स है जी। अब इनके अंदर खेल करते हैं 12 घरों में नवग्रह, 12 स्थानों पर नवग्रह। तो मतलब जो हमारे प्लैनेट्स जो नवग्रह निर्धारित करेगी कौन से प्लेसमेंट को वो डैमेज करेंगे, किसी को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करके उस व्यक्ति के जीवन में क्या स्थितियों को परिवर्तन करेंगे, किन लोगों को भाग्य के सारे ही बहुत ऊंचाइयां मिल जाएगी, किन लोगों को पसीना बहाकर पराक्रम करकर सफलता मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी, ये सारा खेल जो होता है वो नवग्रहों के आधार पर बेस्ड होता है। ओके, और सर If you don't mind, तो मैं पूछ ही लेता हूं कि किस हाउस में कौन सा ग्रह सबसे बेस्ट होता है जी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, जिसे मेरे अनुभव से मैं कहूंगा कि 90% एस्ट्रोलॉजर गलत काउंट कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी ग्रह खराब नहीं है जी, जी जी जी, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है जी। उसका प्लेसमेंट निर्धारित कर कर देता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह काम कैसा करेगा। सही बात है सर जी। राहु केतु शनि इनके नाम से लोगों को सिर्फ डराया जा रहा जी, है। जी सर जी। देवगुरु बृहस्पति को, चंद्रमा को, सूर्य को इतना अच्छा बताया जाता है जी जी जी, ये अगर इस स्थिति में है तो आपके जीवन में उन्नति होगी ही होगी जी सर जी। जबकि आज तक मैंने हजारों लाखों कुंडली देख चुके हैं जी सर, और ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि राहु की दशा तो बहुत छोड़ो, सूर्य चंद्रमा गुरु की दशा में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। अच्छा, तो इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडली में वो कैसा फल देगा। ओके, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताना जी, भी चाहूंगा, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। जैसा अगर कोई भी ग्रह, मैंने बताया कि प्लेसमेंट के आधार पर वो निर्धारित करेगा कि उसके फल कैसे रहने वाले हैं। इस कैलकुलेशन को देखा कैसे जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अकारक ग्रह हैं, देखिए थोड़ा अकारक का मतलब क्या होता है, ये जो नव ग्रह हैं ये एक तरीके से बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए। जैसे आप देखो कि ये राजनीति की स्थिति है जी। हमारे इंडिया के अंदर दो पार्टी मुख्य है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस जी सर, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रहों में भी एक देवग्रह है और एक दैत्य ग्रह है। अच्छा, और ये लग्न के आधार पर, मैंने आपको कुछ देर पहले बोला कि आपकी कुंडली में आपका लग्नेश डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रह कहां पे जाने वाला है, कौन से ग्रह को कौन सा प्लेसमेंट देगा जी सर।